हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा 75 और ये आपकी 6 to 8 यानी कि 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है यहाँ पर और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 30 सितंबर 2020 यानी कि आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट। ये बेटा एक ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश में ही आई है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। सबसे पहले बेटा कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? एक कंपाउंड वर्ड्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू क्रिएट ए न्यू वर्ड दैट हैज ए कम्प्लीटली न्यू मीनिंग। तो बेटा कंपाउंड वर्ड होते हैं जब दो वर्डों को मिलाकर एक तीसरा वर्ड बना दिया जाता है और उसका जो है अर्थ वो अलग ही होता है, तो वो होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। तो नीचे देखिए कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं जो कि नीचे बॉक्सेस में दिए गए हैं, चलो फॉलो करते हैं हम इन्हें। कंपाउंड वर्ड्स सबसे पहले बेटा आप देख रहे हैं रेन, ये रेन हो रही है, रेन प्लस बो। बो होता है इंद्रधनुष और रेन होती है बारिश, तो बारिश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो होता है रेनबो। तो ये आपने देखा भी होगा बेटा बारिश के टाइम पर रेनबो, तो ये होता है हमारा रेन प्लस बो को मिलाकर बनता है रेनबो। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड वर्ड यानी कि जो दो वर्ड से मिलकर यानी कि रेन और बोस को मिलाकर क्या बनता है रेनबो, और एक अलग ही मीनिंग होता है। रेन का अर्थ होता है बेटा बारिश, बो का अर्थ होता है धनुष, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया इंद्रधनुष। इसके आगे है बेटा स्केयर प्लस क्रो। स्केयर क्रो यानी कि जो है क्रो होता है कौवा, स्केयर होता है बेटा कोई पुतला, तो इसको मिलाकर देखिए ये क्या बन गया स्केयर क्रो। इसके बाद है बेटा बटर प्लस फ्लाई, तो बटर और फ्लाई को मिलाकर क्या बनता है बटरफ्लाई। बटर होता है ये देखिए आपने देखा भी होगा बटर, और ये फ्लाई यानी कि जो है मधुमक्खी उड़ती है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया बटरफ्लाई यानी कि मधुमक्खी। इसके बाद है बेटा पुट द टू वर्ड्स टूगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड यानी कि जो दो वर्ड दिए गए इनको मिलाकर हमें एक कंपाउंड वर्ड बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है अर्थ पृथ्वी और क्विक, अर्थ प्लस क्विक, अर्थ क्विक यानी कि भूकंप। क्या होता है बेटा भूकंप, अर्थ क्विक भूकंप। इसके बाद बेटा आई, ये देखिए आंख, बॉल बॉल, आई प्लस बॉल क्या हो गया आई बॉल यानी कि जो आईज में जो ये ब्लैक वाला जो होता है बॉल होती है इसको बोलते हैं आई बॉल। इसके बाद बेटा पोप, पोप प्लस कॉर्न, तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है बेटा पॉपकॉर्न, जो कि आपने खाए भी होंगे पॉपकॉर्न पर भी बना सकते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने खाए भी होंगे पॉपकॉर्न, तो ये होंगे पॉपकॉर्न। बास्केट प्लस बाल, बास्केट और बाल दोनों को मिलाकर क्या बनता है बेटा बास्केटबॉल यानी कि जो गेम होता है बास्केटबॉल का वो बास्केटबॉल। आगे है बेटा लेट्स ट्राई सम मोर यानी कि आगे कुछ और भी दिए गए हैं कंपाउंड वर्ड बनाने हैं हमें, वर्ड्स दिए गए हैं तो चलो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहला है बेटा सन प्लस साइन, सन साइन क्या बनेगा सन प्लस साइन, सन साइन हमारा कंपाउंड वर्ड बना बेटा सन साइन। सन साइन होती है सूर्य की रोशनी। इसके बाद है बेटा कैंप प्लस फायर, कैंप फायर यानी कि जो शिविर लगते हैं वो वाले। इसके बाद है बेटा हनी प्लस कॉम्ब, हनी कॉम्ब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। आगे है बेटा सन प्लस फ्लावर, क्या बन गया हमारा कंपाउंड वर्ड सन फ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल। इसके बाद बेटा वाटर प्लस मेलन, क्या बन गया वाटरमेलन, आप लोगों ने खाया भी होगा जो है, तो वाटरमेलन तरबूज। पेपरमिंट, पेपरमिंट होता है बेटा पुदीना, आप लोगों ने पुदीना जूस वगैरह में भी डालते हैं तो वो होता है पुदीना, तो यहाँ पर क्या हो गया पेपर प्लस मिंट पेपरमिंट, तो हो गया पुदीना। आई होप इट आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।